इन टाइप के क्वेश्चन में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में एक ही चीज देखनी होती है, वो क्या कि क्वेश्चन चार्जिंग का है या डिस्चार्जिंग का है। क्योंकि पहला काम फॉर्मूला क्या अप्लाई करें, ये बड़ी चीज है। तो क्वेश्चन है कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी गिवन है इज चार्ज्ड बाय, तो क्वेश्चन किसका है, चार्जिंग का। चार्जिंग में फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक। पहली चीज आर पता है, इसमें सी पता है, ई भी पता है। फाइंड टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आर इंटू सी आंसर। मेडिकल वालों को इतना भी आएगा, टाइम कांस्टेंट बता दो जी, आर इंटू सी, डन। फिर नॉन मेडिकल वालों को ये इस टाइप का आएगा, वो कहेगा फाइंड टाइम टेकन, समय स्मॉल टी बताओ, जब 99% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, की जब चार्ज कितना होगा कैपेसिटर में, 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज होता क्या है, क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट को क्या पुट कर सकते हैं, सी बताया था, नहीं तो नहीं भी पुट करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज कितना हो गया 99% का, मतलब 99/100 इनटू सी, मैक्सिमम चार्ज का 99%, तो सी सी क्या हो गया, कैंसल। फिर मैथ वाले लोग अपना मैथ मूत लगाएंगे, लॉग लेंगे और फिर टाइम निकाल लेंगे। पर आप सोचेंगे लॉग लेंगे, ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेशन में आता नहीं है। आपको या तो आंसर ई की पावर समथिंग में गिवन होती है, नहीं तो क्वेश्चन ऐसा आता है जो इजीली आप सॉल्व कर सके। तो इसे कैलकुलेशन में ध्यान ना दें, फिर मेथड पे ध्यान दें। जब मेंस के पेपर आज मैंने सॉल्व करने के लिए दिए हैं, उसमें ऐसे 5-6 क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या कह रहे हैं। किसी में लॉग नहीं चाहिए, सिर्फ ये देखना होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। क्लियर है? जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, पढ़ें। प्लेट्स ऑफ 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, सी पता है, इज चार्ज टू 400 माइक्रो कूलम, आर कनेक्टेड थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। आर पता है, सी पता है, टाइम कॉन्स्टेंट तो निकाल दे लो। कह रहे प्लेट्स इज चार्ज टू, चार्ज टू का मतलब इट्स अ केस ऑफ चार्जिंग, नहीं, इट इज ऑलरेडी चार्ज्ड। प्लेट्स इज, उसने इतनी कहा मैं चार्ज करूंगा, उसने कहा इतना चार्ज है, तो इतने चार्ज कैपेसिटर को वायर से जोड़ दिया, बैटरी तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली क्या है, डिस्चार्जिंग। वैसे भी इस क्वेश्चन में बैटरी कहां है, चार्ज कहां से करवा रहे हो, है ही नहीं, तो डिस्चार्जिंग। तो फॉर्मूला डिस्चार्जिंग का ये लगेगा। क्या क्वेश्चन है, चार्ज रिमेनिंग ऑन द कैपेसिटर 1 सेकेंड के बाद, तो डिस्चार्जिंग में क्यू निकालना है, क्यू नॉट की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है ये रही 400 माइक्रो कूलम, और टाइम इसमें 1 सेकेंड है, टाइम कांस्टेंट हमने निकाल लिया, सॉल्व करके आंसर आएगा। वैसे यहाँ पर थोड़ी यूनिट्स में प्रॉब्लम है, इसमें 50 माइक्रो सेकेंड है, 50 × 10⁻⁶ सेकेंड है, क्योंकि टाइम यहाँ पर टी 1 सेकेंड और सेकेंड होनी चाहिए, तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए 10⁻⁶, ये सही है। पर कैलकुलेशन में ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि या तो आपको ऑप्शन ऐसे ही गिवन होगा कि सॉल्व तो करवा नहीं पाएगा इसको, है ना, पेपर में, तो या तो ऐसे ही गिवन होगा या क्वेश्चन ही ऐसा आएगा जो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो आप कैलकुलेशन में ना जाए, प्लीज कॉन्सेप्ट को समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो आज ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव शीट की डिस्कशन रह जाएगी, वो आप अभी ब्रेक में करेंगे। जब आएंगे तो एक लेक्चर सिर्फ डाउट्स का होगा, जब आएंगे जिसमें सारी शीट्स के डाउट्स कवर करेंगे, और जैसे ही ख़त्म होगा मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा और टाइम इन्वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, आप अपने मेंस के प्रॉब्लम करें, जो आपको होमवर्क दिया वो करें,
फिर उसके बाद मेंस की जो डाउट आएंगे वो एक्स्ट्रा टाइम में करेंगे, क्लास में नहीं करेंगे, जिसके डाउट है वो क्लियर करता जाएगा। और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, पूरी जुलाई मैग्नेटिक खत्म हो जाएगी, फिर ईएमआई एसी जो होगा वो अगस्त में चलेगा, सितंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट है, 5-6 सितंबर तक वॉल्यूम वन पूरा कंप्लीट करना है, 2 महीने 10 दिन के अंदर, सिंपल है भाई, इतना ही दिन है, पूरे 70 दिन है, 70 दिन के अंदर ये काम खत्म करना है, इससे ज़्यादा लेट हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगी। तो कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट की बैटरी, रेजिस्टेंस 10 ओम है, इट इज फाउंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर रेजेस टू 4 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ था ही नहीं, जीरो था, और कितना हो गया बैटरी लगाने के बाद 4 हो गया, यानी कि कैपेसिटर की क्या हो रही है चार्जिंग, तभी तो पोटेंशियल, और होना कितना है 12 तक जाना है उसने, अभी 4 हुआ है, कब इतने टाइम में, फाइंड कैपेसिटर, कैपेसिटेंस चार्जिंग का केस है, क्वेश्चन वी पे चलता है, क्यू पे नहीं चल रहा, तो इसको सीसी से डिवाइड करके ये रेशियो किया था भी फॉर्मूला, वी नॉट का मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल बैटरी का 12 है, लेकिन कैपेसिटर में कितना वी डेवलप हुआ 4, आपको इस क्वेश्चन में टी पता है 1 माइक्रो सेकेंड, आपको इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू पता है 10 ओम, क्या निकालना है सी निकालना है, तो यहाँ से सी की वैल्यू आएगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ऐसी कैलकुलेशन नहीं आती, बुक्स में जरूर गिवन है, पर आप सिर्फ मेथड पे फोकस करें प्लीज़, तो आपको हो सकता है लॉग की फॉर्म में कुछ गिवन हो या एक्सपोनेंशियल की फॉर्म, मैथ्स वाले सिखा देंगे आपको इतना काम, और मेडिकल में नहीं आएगा, आप मेडिकल में रिलैक्स रहें इसको लेके, जैसे ये क्वेश्चन आता है नॉन मेडिकल वालों को ऐसा जो इजीली सॉल्व हो सकता है, देखो
समझ में आया? देखो इसके अंदर कैपेसिटर इज चार्ज टू 50 वोल्ट इज डिस्चार्ज्ड बाय, इतना क्लियर क्या लिखे, डिस्चार्ज बाय फॉर्मूला डिस्चार्जिंग, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ड्रॉप टू 1 वोल्ट जब टाइम गिवन है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस एट टाइम t इज इक्वल टू 20। तो v का क्वेश्चन है तो पहले v का फॉर्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कितना है 50 है और v कितना है 1 है और टाइम इसमें 10 है, सॉल्व करके आपके पास ये टर्म आ गई। अब वो कह रहे हैं पोटेंशियल कितना करना है, बताओ कितना करना है जब टाइम कितना है 20, तो इसको 2 into 10 लिखेंगे तो 10 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1/50 निकालनी आंसर, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा, होमवर्क है नॉन मेडिकल वालों का, होमवर्क है। ये क्वेश्चन मेडिकल में भी आ सकता है, नॉन मेडिकल में भी बहुत आए हुए हैं, एनसीईआरटी में तो आना ही नहीं। क्या टाइम कॉन्स्टेंट निकालना है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, आर सी होती है आर इंटू सी। प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, तो टाइम कांस्टेंट आर इंटू सी इक्विवेलेंट, पैरेलल में सीरीज में आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट, इसके अंदर पैरेलल में सी इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट आंसर निकाल लोगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इंटू सी फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा बना लो, फिगर ऐसी है, फिगर मिसिंग है कोई बात नहीं, होमवर्क है, होमवर्क है, ये भी ये लो।